इतना बड़ा सेब कैसे खाओगी मुकदस? मुकदस कैसे खाएगी इतना बड़ा सेब बताओ? इतना बड़ा सेब को कैसे खाओगी? ये देखें जी मुकदस के टॉय, मुकदस का हार्ट फेलियर टॉय ये है। और अभी जो है ना वो यहाँ पे बैठे बैठे खेल के अभी सो गई है। रिमोट भी उसके हाथ में था, ये स्विच भी, ये टॉय भी, तो चारपाई पे रखे हैं अभी। और आज कदस की तबीयत सही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम कैरवन भाई, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भी बिल्कुल ठीक है। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं, वीडियो के साथ साथ रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज सुबह सुबह ही मुकदस की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, उसने सारे कपड़े खराब कर दिए। देखे सारे अभी सुबह सुबह मैंने धोए हैं, चार पाई धोई है। अभी मुकदस को सुला रही क्योंकि इसको थोड़ा बुखार है, तो पूरी रात से नींद भी नहीं आई है, वो अभी सो रही है। मैंने कहा इसको सुला दूँ फिर बाकी काम करूँगी, इसको नहलाया। फिर असल में मौसम हो रहा है चेंज, थोड़ा नमी पड़ जाती है तो इस वजह से मुकदस को बाहर नींद नहीं आती, अंदर गर्मी होती है, तो अभी मौसम हमारे लिए थोड़ा ख़राब चल रहा है। पानी नहीं आया, अंदर से चेंज करो ना, पेट को ख़त्म कर दो। ये इस प्लेट को ना पहले थोड़ा बहुत जो है ना वो इसको टाकी लगा के ना फिर ऊपर वाली टैंकी पे पानी छोड़ देंगे, ठीक है ना, वो भी भर जाएगी। चलो दिन में तो चलो फ्री होता है ना पानी हमारे पास, और इस दफ़ा हमारा जो बिल आया ना काफ़ी आया है, इस वजह से फिर दिन को अब सोलर पर चलाते हैं मोटर, और रात को जो है ना वो सप्लाई पे चलाते हैं। पाकिस्तान में किसी का भी बिल कम नहीं आया है, जुल्म अवाम पे 25,000-30,000 जो 25,000-20,000 से कम तो हाँ, जो कमाने वाला ना हो उसके लिए बड़ी मुसीबत है। पंखा चला हुआ ना साथ, ये भी आप सोचा करो ना, जहाँ से जो मैं बोलता हूँ वो बहन भाइयों के पास आवाज जाती है तो वो समझते हैं कि साहब रहा ये काम कर रही है, वो काम कर रही है, आपकी वॉइस नहीं आती सच में। अभी इसमें सारा घास हुआ पड़ा था, कल हमने थोड़ा साफ किया, तो अभी इसे सफाई कर लेते हैं। होगा तो दोबारा भी सही, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है, तो जब तक सावन का महीना रहता है घास सब कुछ होता ही रहता है। इधर हम बैठते हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा सफाई कर लिया, तो सारा बर्बाद हो गया। इसके नीचे दो तार इनके रखो, दो तीन और भी रखेंगे। तंदूरी गरम कर रहे हैं रोटी बनाने के लिए, इसके अलावा मुकद्दस का दूध बॉयल करना है, क्योंकि भैंस का दूध हम लेते हैं मुकद्दस के लिए जाना सस्ता से। इसमें भी आधा पानी मिक्स करते हैं फिर मुकद्दस को पिलाते हैं। और ये मुकद्दस के लिए दवाई भी है पैनाडोल के कतरे, क्योंकि मुकद्दस की तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, मौसम चेंज होने की वजह से छींके और थोड़ा बुखार। मुकद्दस
इधर देखो। हेलो जानी पोत्र, इसको दो तीन कतरे पिलाओ तो पट्टा भी सही करो। तीन कतरे पिलाने हैं, तीन कतरे अभी पिलाओ, तीन कतरे रात को। ये आपसे मुश्किल ही खुलेगी। इधर दिखाओ, बस ठीक है ठीक है, पिलाओ बस। मुकद्दस मीठे हैं कड़वे हैं? मीठे नहीं है, है ना मुकद्दस? पानी पी लेगी ऊपर से। मुकद्दस जो है ना अभी खेल नहीं रही है ना, एक बात से नहीं है क्या के पास बाहर जाना है, जिद लगाई है मुकद्दस ने। मुकद्दस देखते मुकद्दस बुरा किधर है ये मुकद्दस की गुड़िया है, बस भाग गई है मुकद्दस। ये दिखाओगी ना फिर ये रह नहीं सकेगी, ये मैं बता रहा हूँ। जितना मोबाइल देखती है ना ये गुड़िया वाले जो वीडियो है ये देखो बालू, ये तो गंदा बालू है। ये वाली हाँ, ये वाली सारी देखती है। अच्छा कहती नहीं मैंने देखना है, क्या कह रहे मुकद्दस? ये लो हाथ लगा के तोड़ दिया है। कहते आप हाथ नहीं लगाओ का देखो, हम हाथ ना लगाए, हम हाथ ना लगाए। अभी जी काम शाम खत्म कर लिया है और फ्रेश हम हो गए हैं। अभी बारिश का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इस साइड पर बहुत जबरदस्त आज बादल आए हुए हैं, हो सकता है बारिश आ जाए, पूरा यकीन नहीं है। मुकद्दस भी नहा धो के फ्रेश होके आई है। तो जी आज इस जगह पर काफी ज्यादा सफाई की है, बहुत ही सजगी बन गई और इस फूल के नीचे मैंने ईंटें रख दिए ताकि ये नीचे खराब ना हो। इस साइड पे भी रखते हैं, उस साइड पे भी रखते हैं। वैसे देखने में छोटा सा लगता है, काफी बड़ा फैला हुआ है। और ये वाला फूल भी अब माशाल्लाह बहुत अच्छा लगने लगे, कितने सारे फूल इसके लगे हुए भी हैं पीले कलर के, उस साइड पे भी लगे हैं, इस साइड पे भी लगे। ये जगह खाली रह गई है, यहाँ पे एक पौधा लगा दे फूल वाला। और ये वाला फूल देखिए, इसका कलर हमने सोचा था रेड होगा लेकिन इसका कलर फाटे नहीं कलर है, ये देखें। वैसे प्यारा तो बहुत है लेकिन रेड कलर का नहीं है। और ये वाला जो है ना, ये वाला रेड है, ये मुकद्दस को बहुत ज़्यादा पसंद है। इधर जब अचार पाई रखो ना, इधर बैठ के देख के खेलते हैं। मुकद्दस नीचे गिर जाओगे, आ जाओ। तो जी वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है और बताना है कि आज का व्लॉग आप सब बहन भाइयों को कैसा लगे, है ना। तो मुकद्दस के कपड़े सिलाई के लिए दिए हैं, अभी तक वापस आए नहीं है, हो सकता है कि आज सिलाई होके आ जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।